कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, और उसी को लेकर जो है कांग्रेस विधानसभा हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा मौजूद, उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, आज आपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? माननीय श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। उसी को निरंतरता देने के लिए राहुल जी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन कन्नौर हल्का में किया जा रहा है। मैं वैसे करनाल का कोऑर्डिनेटर भी, कन्नौर हल्का में ये कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू होगा और 22 तक चलेगा। हर एक गाँव में हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करेंगे। शर्मा जी, हाल ही में कांग्रेस की पर्दा बीजेपी के खिलाफ पर्दाफाश रैली है, क्या इस रैली को? देखिए, पर्दाफाश रैली 14 अप्रैल को होगी, 25 को नहीं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कंप्लीट फेलियर, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से नारे वायदे किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसान से, नौजवान से, व्यापारी से, कर्मचारी से, बेरोजगारों से धोखा किया, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में महंगाई आसमान को चीर कर चली, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित है, उस भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश को लेकर सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठियां भी चार्ज की गई है, इस पर कांग्रेस की क्या बात? देखिए, लोकतंत्र का एक स्वरूप होता है और भारत के संविधान में सुनिश्चित कर बाबा भीमराव अम्बेडकर की कलम से, फिर राहुल गांधी जी के अमेंडमेंट्स, राजीव गांधी जी के अमेंडमेंट्स, 74th अमेंडमेंट, पंचायतों को अधिकार दिए गए थे कि वो अपने ग्रामीण विकास का योगदान सरपंचों को देते हैं। उन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है, उनकी पावर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ई टेंडरिंग से कभी विकास नहीं हो सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जब इस बात को लेकर सरपंच चंडीगढ़ गए मुख्यमंत्री से बात करें, बजाय उनसे के बात करें, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लाठियों से उनका स्वागत किया, सैकड़ों सरपंच और महिला सरपंचों को पीटा गया, घसीटा गया, रात को उनके तंबू फाड़ दिए गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के का में अंदर का व्यवहार है उनके नेताओं का, ये कति स्वीकार्य नहीं है। ये लोकतंत्र के कलंक है और ये लाठियाँ जिस प्रकार लाला लाजपत राय पर लाठियाँ बिछाई गई, जो बरतानवी साम्राज्य की कील में कील का कफन में कील का काम किया, आज ये खट्टा साहब की लाठियाँ इस सरकार के कफन में कील का काम। शर्मा जी, हाल ही में चुनाव हुए हैं, कई भाजपा ने सरकार बनाई है, कई गठबंधन से बनाई है, और उसके बाद तुरंत जो है सिलेंडर महंगी कर दी गई है, इस पर कांग्रेस का क्या? और कांग्रेस भी लगातार सोनीपत में विरोध प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर, महिला जो कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आज प्रदर्शन किया महंगाई को। देखिए, देश में महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासकर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, सिर पर सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट पहुंची थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक समय में पेट्रोल की कीमत बढ़ने बैलगाड़ी में बैठकर पार्लियामेंट आए थे। आज सिलेंडर जो 400 रुपये कांग्रेस के विकास में 1200 रुपये पहुँच गया। 57 महीने नहीं हुए सरकार को इस रेट बढ़े पेट्रोल के डीजल के, तो इन्होंने वायदा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। आज गरीब निवाला छीना जा रहा है, उसकी चूल्हे में आग नहीं रही, और फिर वापस उज्ज्वला योजना की तथा बताते लोग चूल्हे पर अंगीठी पर रोटी बना, सिलेंडर सबके बस का। शर्मा जी, पूर्व वित्त मंत्री जो कैप्टन अभिमन्यु है, भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री रहे, उन्होंने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर प्रकाश किया, कहा है कि जो ये टेंडरिंग को लेकर विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर आने वाले चुनाव में पंचायत मंत्री को भुगतना होगा। ठीक करें, केवल पंचायत मंत्री को नहीं, सारी सरकार को, मुख्यमंत्री तक को भुगतना पड़ेगा, मैंने पहले भी। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत जी कुछ कह रहे हैं, अजय चौटाला जी कुछ कह रहे हैं, बबली जी कहीं अड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी कहीं खड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। वाद विवाद फूट आपसी, ये देख लेना गठबंधन है, थोड़े दिन का है, क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये कमाई की फैक्ट्री लगी हुई है, मौज कर रहे हैं। शर्मा जी, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने
मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनकी तारीफ की है, और वहीं जो अजय टोटल उन पर कटाक्ष किया है कि संगठन चलाने वाले संगठन का काम करें, सरकार चलाने का काम हम पर छोड़े। क्योंकि बबली जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा तो मंत्री पद बनेगा, और अजय चौटाला की तारीफ करेंगे तो जहां अब तक 3 साल पहले तो वहां रहे। समझदारी की बात करते हैं। अभी जो भाजपा सांसद साधवी प्रज्ञा, उन्होंने राहुल गांधी पर विवादिता बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, इस पर कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर करोड़ों लोगों की जनभावनाओं के साथ राहुल आज देश में एक नया स्वरूप बन गया, प्रज्ञा क्या जाने। अब हाल ही में कांग्रेस के जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कितना समर्थन लोगों को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मिलेगा, कितना मिलेगा, और जो संगठन कब तक मजबूत होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा रही, उसको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है। जहाँ गए सरों का समंदर, किसी भी मौसम बरसात ठंड में गर्मी में बर्फ, जहाँ गए राहुल का स्वागत हुआ है, ये अपने आप में एक नया संदेश दिया है। ये थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला, और उस समर्थन के लिए आज ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाए हुए हैं। ज्यादा खबरों का बने रहिए पंजाब के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।